क्लच के बारे में बात करेंगे, जो क्लच भाई लोग बहुत भाई लोग तोड़ देता है, क्लच क्लच का तार तोड़ देता है, तो आज हम लोग उसी को कवर करेंगे कि आपको क्लच का कैसे केयर करना चाहिए। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं अपने 220 पे और ये रहा मेरा दोस्त, आप सब देख लो, थोड़ा सा नाइट है, थोड़ा सा विजन में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो। आज गाड़ी को राइड करेगा और दिखाएगा कि गाड़ी में क्या वगैरह वगैरह, और मैंने बहुत से को देखा है। आज हम लोग क्लच के बारे में बात करेंगे, जो क्लच भाई लोग बहुत भाई लोग तोड़ देता है, क्लच क्लच का तार तोड़ देता है, तो आज हम लोग उसी को कवर करेंगे कि आपको क्लच का कैसे केयर करना चाहिए। केयर बोले तो मतलब आप लोग देख लो, अपना 220 है तो आज क्लच जो है ना भाई लोग बहुत कुछ तोड़ देता है, ठीक है ना। तो इस क्लच को केयर करने के लिए हम लोग को किस तरह से गाड़ी चलाना चाहिए उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहो और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, मेरा गाड़ी चल चुका है 5019 किलोमीटर दूर, तो इतना दूर में भाई लोग आज तक मुझे वैसा कोई क्लच में कोई डिफॉल्ट नहीं नज़र आएगा आपको मेरा गाड़ी में। और वो कैसे मैं इसको केयर करता हूँ आज मैं उसके बारे में पूरा बताऊँगा, और मेरा दोस्त आज गाड़ी राइड करेगा और मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलो हम लोग वीडियो राइड करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। फ्रेंड्स, आप लोग देख लो, हम लोग इस सिटी में राइड करके दिखाएंगे आप लोग को, है ना। तो थोड़ा सा नाइट हो गया, माइंड मत करना। तो चलो हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए, चलिए फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई दोस्त यार ने गाड़ी राइड कर दिया है और हम लोग क्लच को देखेंगे कि कैसे आपको क्लच का केयर करना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लो कि कैसे क्लच को उठाते हैं। तो भाई आप मतलब आप पहले गियर पे डाल दो गाड़ी को, पहले मुझे डाल दो कैसे गाड़ी को चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख लो, ये पहला गियर डाल चुका है, दूसरा गियर। आपको क्लच छोड़ने टाइम आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, एकदम पूरा क्लच को प्रेस करना होगा, उसके बाद ही छोड़ना है आपको। तब आपको तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्लच जो होता है उसको एकदम इजीली उठाना चाहिए और पूरा क्लच प्रेस करना चाहिए, उसके बाद आपको गियर लगाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि अपने उस्ताद जी ड्राइव कर रहे हैं, तो ये एकदम पूरा क्लच को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक क्लच को पूरा प्रेस नहीं करोगे तब तक क्लच पूरा तरह से रिलीज नहीं होता और गियर बॉक्स जाम नहीं होता है। इस वजह से आपका स्मूथ गियर बॉक्स उठता है और जिससे मतलब आपको एकदम लगेगा ही नहीं कि आप मतलब कोई हेवी गाड़ी चला रहे हो, या लगेगा एकदम आराम से एकदम क्लच उठेगा और गियर एकदम आराम से लग जाएगा। तो इसलिए आपको एकदम प्रॉपरली क्लच दबाना है, उसके बाद गियर उठाना है। इससे आपका गियर बॉक्स भी एकदम हमेशा के लिए सेफ रहेगा और मस्त रहेगा। तो और फ्रेंड्स, ये गियर बॉक्स लगभग आपका, मैंने एक मेरे फ्रेंड है उसने 4 महीना में ही अपना क्लच तार तोड़ दिया था। अब वो कैसे चलाता था पता नहीं, और आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपका कभी मतलब गाड़ी न्यू गाड़ी लेने के बाद आपका कितने दिन में आपका क्लच तार टूटा है। वैसे तो मेरा एक बार भी नहीं टूटा है अभी तक, और मैं एक और गाड़ी ऑन करता था, ओनर मैं था एक और गाड़ी का, तो वो भी मतलब मैंने जब तक मैंने वो गाड़ी चलाया 3 साल या 4 साल मैंने वो गाड़ी चलाया, तो मैंने एक बार भी उसका क्लच तार मतलब चेंज नहीं करवाया था। तो मैं उसका बढ़िया से केयर करता हूँ और मैं वो आपको बताऊँगा कि कैसे से उसको केयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये मतलब क्लच में आप जो है ना कि थोड़ा सा ग्रीस डाल दिया करो, जब वो ग्रीस सूखता है ना तब उसमें थोड़ा बहुत ग्रीस डाल दिया करो। तो ग्रीस डालने से क्या होगा, उसमें नमी हमेशा बना हुआ रहेगा और आपका मतलब आराम से गियर लगेगा और गियर बॉक्स मतलब थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, ग्रीस आपको इजीली लोकल दुकान में तो मिल ही जाएगा ग्रीस, तो आप ग्रीस ले लेना और क्लच वायर पे थोड़ा बहुत मतलब जहाँ क्लच जहाँ से थोड़ा बहुत तार दिखता है वहाँ लगा देना, और नीचे इंजन के पास भी थोड़ा बहुत लगा देना ताकि वहाँ पर भी नमी बना हुआ रहे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं दूसरी टिप्स के बारे में बात करूँ तो आपको कभी भी मैकेनिक से ज़्यादा क्लच को टाइट नहीं करवाना है। ज़्यादा क्लच को टाइट करवाओगे तो उसमें जोर पड़ेगा और आपको टूटने का चांस ज़्यादा हो जाता है, और टूटता हमेशा 20 से कभी नहीं टूटेगा, हमेशा जहाँ क्लच है ना वहीं से ज़्यादातर टूटता है वहीं से। तो फ्रेंड्स, आप ये सब बात में ध्यान रखो और इंजन पर कम लोड दिया करो, ज़्यादा लोड मत दिया करो। ज़्यादा लोड देने का ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 4-2 को मत बैठाओ, 3 को मत बैठाओ, बैठाओ लेकिन
तो फ्रेंड्स चाहो तो आप खुद टाइट कर सकते हो, 10 नंबर का पाना का ज़रूरत पड़ता है और दो नट रहता है आगे पीछे करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है क्लच, है ना। तो आप खुद भी घर पे भी कर सकते हो, मैकेनिक पास जाने का ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप टाइम टू टाइम ग्रीस उसमें डाल दिया करो थोड़ा बहुत, है ना, और चेक करते रहो टाइम टू टाइम ग्रीस उसमें नमी घट रहा है या नहीं घट रहा है। आप नमी चेक करते रहोगे तो ऐसा आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बाकी अगर कहीं गाड़ी उड़ी धसड़ा जाता है या टक्कर खा जाता है तो वो अलग बात हो जाएगा, उसे तो टूटना ही टूटना है, है ना। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे तरफ से ये टिक्स है या ट्रिप या ट्रिक्स जो भी समझ लो या एडवाइस समझ लो, और इसमें अगर थोड़ा सा आप फॉलो करोगे इस चीज़ को तो आपका कभी क्लच तार नहीं टूटेगा। और ये मेरे तरफ से आप लोग के लिए ट्रिक्स या ट्रिप्स है जो भी है आप समझ लो। तो फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा वीडियो था, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और बस यही था आज के लिए वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।